हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ शिबाज, आप देख रहे हैं शोपी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साला शहाब हज की सआदत हासिल करने पैदल ही निकल पड़ा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाब केरला में एक सुपर स्टोर पर काम करता है, जो इस मुकद्दस सफ़र पर 2 जून को घर से निकला। भारत से मक्का मुकरमा पहुँचने में 280 दिन लगेंगे, जिसमें उसे 8,640 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। शहाब ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इसका हदफ 25 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलना है। घर से निकलने से कबल उन्होंने ज़रूरी अशिया अपने साथ रखी, जिनमें चंद कपड़े, छतरी और बेडशीट शामिल है। शहाब ने मज़ीद बताया कि तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार मक्का मुकरमा जाना चाहिए। भारतीय नौजवान रियासत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, राजस्थान से होता हुआ वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहाब ने 6 ममालिक का सफ़र पैदल करने का अहद किया है, ताकि उससे मक्का तक पहुंचने के लिए भारत, ईरान, इराक, पाकिस्तान और कुवैत की सड़कों से गुजरना पड़े। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।